नमस्कार, एनबीटी की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम आपके पास मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के साथ हैं, जिसके बारे में हम एक एक कर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऋषि नारायण जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, हम शुरुआत करते हैं। मैं आपका अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से। तो मीनापुर विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है, उससे पहले ये समझिए कि मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में पिछली बार 2015 के नतीजे क्या कहते हैं। तो 6 सीटें महागठबंधन के पाले में, 3 NDA के पाले में, और यहाँ 2 सीटें ऐसी हैं जो निर्दलीय के खाते में गई। एक तो बोचहां से बेबी कुमारी जीती और दूसरी सीट कांटी की थी, जहां से अशोक चौधरी ने जीत हासिल की। एक तरीके से आप कहें तो मुजफ्फरपुर एक बहुत विशाल काय इस मामले में जिला कहा जाएगा, जहां 11 विधानसभा सीटें हैं। शायद ही कोई और दूसरा जिला हो बिहार में जहां इतनी सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इन 11 सीटों का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहेगा सरकार के गठन में। तो स्टार्ट करते हैं मीनापुर से। आप देख सकते हैं मीनापुर में पिछली बार क्या हुआ, विधायक बने मुन्ना यादव, राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव आरजेडी के, उनको 80,000 वोट मिला। उन्होंने बीजेपी के अजय कुमार को हराया। तीसरे नंबर पर रहे सरदुल खान, जिनको लगभग 5,000 वोट हासिल हुए। मीनापुर की चर्चा आज जब हो रही है तो ये बताना चाहूंगा कि मीनापुर आरजेडी का गढ़ रहा है। जब से एनडीए की लहर बिहार में आई तो काफी वक्त लगा एनडीए को इस सीट को अपने हाथों में, अपने कब्जे में करने के लिए। ये सीट हिंद केशरी यादव, जो आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते थे, MY समीकरण उस दौर में चरम पर था, वो लगातार यहां से जीतते रहे। लालू यादव की सरकार में वो मंत्री भी रहे। और इसके बाद 2010 और 2005 में दिनेश प्रसाद JDU के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 2015 में पासा पलट गया। पासा इसलिए पलट गया क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो आपको पता होगा कि मीनापुर का अगर जातीय समीकरण हम देखें तो वहां पे जिन जातियों की बहुलता है या जो बहुत निर्णायक भूमिका में होते हैं, अगर वो एक साथ आ जाएं तो किसी भी JDU को या RJD को साथ अगर रहे तो उनको हराना मुश्किल है। इस बार उलटा है, फिर से बीजेपी के साथ JDU, और मुझे लगता है कि इस बार फिर से यहाँ पर JDU का पलड़ा भारी रहेगा। ये आपको मीनापुर सीट का हाल है। मीनापुर सीट से इस बार ये अभी तक तय नहीं हो पाया है कि आखिर उम्मीदवार कौन होंगे। तो एक चिंता की बात यहाँ पे इसलिए भी है कि JDU और बीजेपी इस बार साथ चुनाव लड़ रही है, माथापच्ची चल रहा है कि आखिर उनकी तरफ से कैंडिडेट कौन हो। तो यहाँ जो मुख्य मुद्दा है वो सिर्फ विकास एक कहें तो वो है, इसके अलावा पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मीनापुर विधानसभा सीट में। तो अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने COVID-19 पैंडेमिक के महामारी के बाद जो उपाय किए हैं या जो घोषणाएं की हैं, शायद उसका असर भी इस विधानसभा सीट पर पड़े। तो अब आगे आते हैं बरुराज की तरफ। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए अब अपने साथी ऋषि नारायण के पास। आप ऋषि बताएं कि बरुराज में क्या हाल है, क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? जी आलोक जी, पहले आपको बरुराज का स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा कि बरुराज की क्या स्थिति है। सबसे पहले आप वो अगर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर तस्वीरें जो उभर के सामने आएंगी। आप बरुराज में अगर आप देखें तो ये सीट है, ये शुरू से ही जनता दल का गढ़ रही है। जनता दल मतलब अविभाजित जनता दल, जिस समय RJD अलग नहीं हुई थी। आप उसमें देखिए 1990 के बाद से लगातार इस पर चुनाव जीतते आ रहे हैं लालू के जो कैंडिडेट्स हैं, लालू के जो चुने कैंडिडेट्स हैं। अगर आप फॉन्ट थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देंगे ताकि वो बिल्कुल दिखाई दे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फॉन्ट कम है, तो अगर आप सिलेक्ट करके, हाँ बस इतना बढ़ा पाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे पिछली बार का जो चुनाव था, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। 2015 का जो चुनाव था उसमें जो RJD के कैंडिडेट थे उन्होंने 43.62%, करीब करीब 44% वोट लिए थे और वो जीत उन्हें हासिल हुई थी। वोटिंग प्रतिशत भी काफी अच्छा था, 60.6%। लेकिन अब जैसे कि मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि इस सीट पर आपको अगर समीकरण देखने हो
तो 1990 से लेकर इस पर जनता दल का काफी दबदबा रहा है, जनता दल माने लालू यादव उनके कैंडिडेट्स। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 2010 के चुनाव में भी इस सीट पर आरजेडी के कैंडिडेट, यही कैंडिडेट जिन्होंने जीत हासिल की थी 2000 ब्रिजकिशोर सिंह, ये 2010 में लहर होने के बावजूद, नीतीश सरकार की लहर होने के बावजूद दूसरे टर्म में, तब भी आरजेडी के कैंडिडेट जीत कर आए थे और इन्होंने करीब करीब 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया था जेडीयू के अनंत कुमार राय को। और इसको अगर छोड़ दें तो हमेशा से, और एक हार को अगर कहें तो 2005 का चुनाव जो हुआ था फरवरी का, उसमें भी ब्रिजकिशोर सिंह जीते थे। हालांकि जब अक्टूबर में दोबारा चुनाव कराए गए, जब सीटों की संख्या सही नहीं बैठी सरकार के गठन के लिए, तब इसमें शशि कुमार राय जो थे जेडीयू के, वो जीते। तो बरुराज जो सीट है वो काफी हद तक लालू के लिए फायदेमंद सीट रही है, और अभी तक का जो समीकरण कह रहा है कि ये लालू के खाते में ही जाती रही है। एक वजह यहाँ पर यादव वोट बैंक का मजबूत होना, इंटैक्ट होना भी कहा जा सकता है। आलोक जी, ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको अब लिए चलते हैं कुढ़नी विधानसभा। आखिर कुढ़नी विधानसभा का क्या हाल है और इस बार क्या हो सकता है, तो मैं अब फिर इस बार स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे और आपको बताता हूं कि कुढ़नी विधानसभा का क्या हाल है। कुढ़नी विधानसभा बोलता है यहाँ पे बसावन भगत, और उस जमाने में जब लालू यादव सत्ता में हुआ करते थे तब एक तरीके से, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या ऋषि जी? तो तब एक तरीके से ये कुढ़नी विधानसभा की सीट लालू का स्ट्रांग होल्ड माना जाता था। पिछले विधानसभा चुनाव में केदार गुप्ता बीजेपी ने जीत हासिल की, उनको 73,000 वोट मिले, और दूसरे नंबर पर जेडीयू मनोज कुशवाहा जो मंत्री भी रह चुके हैं नीतीश सरकार में, उनको 61,000 से वोट मिले। अब इसमें यही पेच है कि इस बार मनोज कुमार कुशवाहा कह रहे हैं कि भाई मुझे सीट ये चाहिए, क्योंकि अब दोबारा जेडीयू बीजेपी एक साथ लड़ रही है और परंपरागत तौर पे जेडीयू की सीट रही है। लेकिन बीजेपी को पता है कि इस सीट पे, चूंकि एक कहिए कि जो बनिया कम्युनिटी है, जो वैश्य कम्युनिटी है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वो बहुत मजबूत स्थिति में है, और वो सवर्णों के साथ जब वो दोनों का मिलान होता है तो बीजेपी वहां हमेशा आगे रहती है। तो इसलिए ये विनिंग सीट है और बीजेपी चाहेगी कि ये उसके पास रहे। तो ये एक बड़ा एक खतरा भी हो सकता है अगर मनोज कुमार कुशवाहा बागी होते हैं। लेकिन हमें जो सूचना मिली है, एनबीटी को मिली जानकारी के मुताबिक, उन्हें दूसरी सीट दी जा रही है और हो सकता है कि वो जेडीयू के टिकट पर किसी और सीट से लड़े। तो 2015 में बीजेपी ने जेडीयू से सीट हासिल की थी। सोचिए, जब बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हो तब भी बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की। और ये इससे पहले अगर आप देखें तो मनोज कुशवाहा 2010 में उन्होंने जीत हासिल की थी। अब अगर हम आगे बढ़ें इसी तरीके से कुढ़नी के बाद, तो हम अगर कांटी का जिक्र करते हैं ऋषि, कांटी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा जहां के जो विधायक रहे हैं वो हमेशा चर्चा में रहे हैं। क्यों चर्चा में रहे हैं? तो दोनों कारणों से रहे हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी ऋषि, क्योंकि यहाँ जो ये अजीत कुमार का गढ़ रहा है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो निर्दलीय भी इस सीट को जीत सकते हैं, लेकिन शायद इसी अहंकार ने उनकी नैया डुबो दी पिछली बार, और वो पार्टी के उम्मीदवार होते हुए भी, एनडीए के उम्मीदवार होते हुए भी वो निर्दलीय अशोक चौधरी से हार गए। अशोक चौधरी मूल रूप से व्यापारी हैं और उन्होंने इनको हरा दिया। इस बार माना जा रहा है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर शायद उनको एनडीए की किसी घटक दल की तरफ से उनको टिकट मिले, लेकिन जीत हासिल होगी या नहीं ये कहना अभी मुश्किल है, बट वो बहुत ही दमदार उम्मीदवार यहाँ रहे हैं। यहाँ कांटी के बारे में अगर चर्चा करें तो कांटी थर्मल स्टेशन है, इससे जो निकलने वाली छाई या राख, ये एक यहाँ का बहुत मुद्दा रहा है। फिर इसके अलावा 5 किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे बिजली आपूर्ति, ये भी यहाँ का मुद्दा रहा है। और पिछले 3 साल में जो एक पॉजिटिव चीज रही है पुराने एमएलए अजीत कुमार के बारे में, कि वो लगातार यहाँ से सक्रिय रहे हैं। और यहाँ फरवरी 2005 की बात करें तो लोजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे अजीत कुमार, सरकार नहीं बनी। 5 के ही अक्टूबर में जब दोबारा चुनाव हुआ, जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ऋषि, अब चलते हैं इसके बाद बोचहां सुरक्षित सीट,
ये भी एक बड़ा दिलचस्प है, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। बोचहां की सीट पिछली बार मुझे पता है कि लोजपा ने अपने खाते में ली थी, और लोजपा ने जिसे टिकट दिया उसके बारे में जब हम लोग भी वहां पे घूम रहे थे विधानसभा क्षेत्र में, तो कोई उसको जान नहीं रहा था। और बेबी कुमारी अपने को भाजपा की प्रत्याशी बता के निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ रही थी और उसने वो जीत हासिल की। लेकिन बोचहां में इस बार भाजपा हाँ, जो कहा जाए कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, इस बार सब लोगों को उम्मीद है कि शायद बोचहां से फिर से बेबी कुमारी को टिकट दिया जाए। अब लेकिन उसमें एक दिक्कत जो ये आ सकती है अरे, कि दो सुरक्षित सीटें हैं मुजफ्फरपुर में, एक सकरा और एक बोचहां, तो उसका भी एक गणित देखना पड़ेगा कि लोजपा को क्या वो सीट शेयरिंग में कांटी की सॉरी बोचहां की सीट मिलती है। हालांकि लोजपा अभी क्या करेगी, क्या रुख अपनाएगी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये दिलचस्प सीट है। और बोचहां की सीट दरभंगा से भी सटी हुई है, दरभंगा में जिस तरीके से एम्स और एयरपोर्ट का ऐलान हुआ है, तो विकास के मामले में बोचहां एक तरीके से कहें तो एलाइंड है, बेटर एलाइंड है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की जो सुशासन बाबू वाली छवि है, शायद वहां आपको काम करता हुआ दिखाई दे। तो इसके बाद किस विधानसभा का जिक्र करें हम फटाफट देख लेते हैं। बोचहां के बाद पारू, आप बताएं पारू के बारे में। जी देखिए, पारू की सीट बड़ी अद्भुत सीट रही है। जैसे आपने बरुराज में देखा कि वो आरजेडी का गढ़ रहा शुरू से, जनता दल का, पारू की सीट शुरू से बीजेपी का गढ़ रही है। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, और मैं आपको दिखाता हूँ कि शुरू से ही ये जो पारू की सीट रही है, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ जी बिल्कुल, अब आप देख हाँ, सकते हैं। ठीक है, आप दिख रही पारू की जो सीट है 2015 में यहाँ पे हाँ अशोक कुमार सिंह बीजेपी के जीते थे। इन्हें करीब 80,445 वोट मिले थे, 48.21% कुल मतों का था, 4.11% 1-1% का मतदान हुआ था, मतलब करीब करीब 19,000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने हराया था आरजेडी को। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि पिछले 15 साल से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी इस सीट पर हावी है। सिर्फ अगर हम 95 से लेकर 2005 तक की बात करें तो ये सीट आरजेडी के खाते में गई थी। फरवरी 2005 का चुनाव भले ही पारू से आरजेडी के टिकट पर मिथिलेश यादव ने जीता था, लेकिन जब अक्टूबर में दोबारा चुनाव हुए 2005 में, तो ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। और तब से लेकर अब तक आरजेडी इस सीट पर बीजेपी को हराने में नाकाम ही साबित हुई है, हमेशा इस पर बीजेपी का ही दबदबा रहा है इस पारू सीट पर। तो बिल्कुल बरुराज के बिल्कुल उलट सीट है, जहां बरुराज पर आरजेडी का दबदबा है तो वहां पारू में बीजेपी का दबदबा है। और मुझे लगता है कि 2020 में भी यह समीकरण कुछ, यानी इस बार के चुनाव भी यह समीकरण कुछ खास बदलने वाला नहीं है, ज्यों के त्यों रहेंगे। अगर मुझे लगता है जहां तक अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर सीट पर कैंडिडेट्स उतरते हैं, वहां कोई बगावत नहीं होती है, तो बरुराज सीट आरजेडी के खाते में रहेगी और पारू सीट बीजेपी के खाते में। जी आलोक जी, तो अब चलते हैं हम औराई की तरफ। औराई विधानसभा क्षेत्र आरजेडी का गढ़ रहा है, यहाँ बताऊं, यहाँ पे एक कहा जाता है कि अगर यादवों का वोट एकमुश्त पड़ा तो, जो कि होता रहा आरजेडी के साथ, तो किसी भी तरफ पाला जा सकता है, पलट सकता है। आरजेडी की सीट है, सुरेंद्र कुमार जीते पिछले चुनाव में, रामसूरत राय बहुत ही कद्दावर नेता, बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं, वो दूसरे स्थान पर रहे, उनको इस सीट से हार का सामना करना पड़ा। और माना जा रहा है कि इस बार भी शायद किसको टिकट मिले आरजेडी की तरफ से, शायद उम्मीदवार वही रहे, लेकिन जेडीयू और बीजेपी दोनों में ये पेच फंसा हुआ है कि यहाँ से आखिर किसको टिकट दी जाए। अब इसके आगे चलते हैं हम साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र। साहेबगंज एक बार फिर देखिए, यहाँ पे रामविचार राय आरजेडी के, उनको 70,000 वोट मिले, राजू कुमार सिंह जो हारने वाले उम्मीदवार थे उनको 59,000 वोट मिले, और मुकाबला बहुत ही कांटे का था यहाँ पे, 10,000 का मात्र अंतर 11,000 का, जबकि बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। इस बार जब दोनों साथ हैं तो शायद आरजेडी को मुश्किल हो इस सीट को अपने पाले में बचाए रखने के लिए। अब साहेबगंज के जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे यहाँ एक इस इलाके में रेल प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक ठुक ठुक ट्रेन की सीटी सुनने की मंशा पूरी नहीं हुई। हाजीपुर सुगौली रेलखंड के बीच में ये साहेबगंज आएगा। हाल ही में
ऋषि अभी पिछले हफ्ते एक जो उसका छोटा सा खंड है वैशाली तक रेलवे लाइन बिछ गई है, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी होने वाला है वहां पे और शायद हो भी गया है, और वहां पे एक होता अभ्यास के तौर पे ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और ये साहिबगंज का इलाका बाढ़ और सुखार दोनों से प्रभावित रहा है, ये सीट हमेशा समाजवादियों की रही है, यहाँ से नवल किशोर सिंह, शिव शरण सिंह जैसे व्यक्ति विधानसभा में पहुंच चुके हैं, ऐसे में बदले राजनीतिक समीकरण में साहिबगंज सीट का जो महत्व है वो बढ़ा हुआ है। और जदयू के राजू कुमार सिंह पिछले दो टर्म में विधायक रहे हैं और उन्होंने राम विचार राय को ही हराया था, अब इस बार जेडीयू से उनका नाता टूट चुका है, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीट अपने आप में आने वाले समय में। और कांटी इस विधानसभा क्षेत्र साहेबगंज के बाद सकरा की चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने दर्शकों के लिए अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने सकरा के बारे में पूरा बताया। सकरा भी सुरक्षित सीट है, अगर हम बहुत ही संक्षेप में बात करें, बाढ़ प्रभावित इलाका रहा है और इस बार यहाँ बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। पिछली बार बीजेपी के पाले में सीट गई थी, परंपरागत तौर पर जेडीयू की सीट रही है, माना जा रहा है जेडीयू लड़ेगी। जेडीयू में रार इस बात का कि यहाँ से उम्मीदवार कौन हो, क्या कांटी के निर्दलीय विधायक यहाँ पे आएंगे या यहाँ के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा, जेडीयू में इस बात पर चर्चा जारी है। और ऐसा माना जा रहा है कि शायद जो जमीनी कार्यकर्ता है एक अशोक चौधरी, नाम एक ही है कांटी वाले विधायक से मिलता जुलता, उनको ये टिकट यहाँ से मिले और वो लाल बाबू राम के खिलाफ लड़ेंगे। लाल बाबू राम की बिल्कुल छवि यहाँ पे पिछले बार के समय में खराब हुई क्योंकि वो जितने इलाकों में गए कई इलाकों में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। और इसी इसके बाद हम गायघाट सीट पे आते हैं। गायघाट सीट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, महेश्वर प्रसाद यादव इनके बारे में कुछ बताएं, पिछले 3 साल से उन्होंने आरजेडी के खिलाफ एक तरीके से बगावत का सुर अपनाया हुआ था और वो नीतीश के फेवर में बोल रहे थे। जी क्या बिल्कुल लग रहा बिल्कुल है? 2015 के चुनाव के बाद से जैसे ही गठबंधन टूटा महेश्वर यादव नीतीश कुमार के फैन हो गए, लालू खेमा छोड़ दिया था, कहने को आरजेडी के विधायक थे आलोक जी, लेकिन हमेशा उनके मुख से नीतीश की तारीफ ही निकलती थी और आखिर में हाल ही में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। लेकिन बड़ी मुश्किल है जेडीयू के सामने, खासकर एनडीए के सामने, यहाँ पर अगर वो जैसा कि आपने पहले भी बड़ा एक दर्शकों को आपने दिखाया था कि आउटसाइडर कैंडिडेट बाहरी कैंडिडेट, तो इस हिसाब से एनडीए के लिए ये बाहरी कैंडिडेट हैं महेश्वर प्रसाद, अगर इनको टिकट दिया जाता है जीत की संभावना को देखते हुए तो विद्रोह होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है एनडीए में, मुश्किल हो सकती है। अब देखना यही एक रोचक जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि अभी एक इलाकाई नेता है उनके पास लालू यादव का फोन आया था कथित तौर पे, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, वो जेल में है और उन्होंने पूछा कि उनकी जो भाषा थी वो इसी तरह से थी कि महेसरा के हरावे के की उपाय बा, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आरजेडी खेमे में कितना उबाल है उनको लेके जो उन्होंने किया है। हालांकि अगर वहां के पूरे भूगोल को देखें तो ये बागमती से बाढ़ प्रभावित रहा है ये इलाका और महेश्वर यादव यहाँ पहले बहुत मजबूत माने जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ से कभी आनंद मोहन ने भी चुनाव लड़ा था और वीना देवी ने लेकिन महेश्वर यादव को 2010 में हराया था, इस बार वो बीजेपी के टिकट पे थी और हार गई। तो ये दरभंगा हाईवे पे पड़ता है गायघाट, हर साल यहाँ पे लगभग बाढ़ का अभिशाप लोगों को झेलना पड़ता है, तबाही मचती है, लोग बेघर हो जाते हैं और ये एक यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ऐसे में ये देखना होगा कि आरजेडी से जो आए हैं जेडीयू में क्या उनको पार्टी टिकट देगी, तो वहां पे अंदरूनी बगावत जैसा आपने चर्चा की जैसा कि क्या वो झेलने को मिलेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि हम चलते हैं मुजफ्फरपुर जो हालांकि सर बीच में बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास आ रही है शायद जेडीयू इसका तोड़ खोज रही है, उसे ये लग रहा है कि ये जो विधायक है इनसे समर्थन दिलवाया जाए, उम्मीदवार अपने ही रखे जाए और इन विधायकों को विधान पार्षद बनने का मौका दिया जाए, एमएलसी बनने का, शायद वो समय साल भर के बाद का हो, 6 महीने के बाद का हो। जेडीयू इस जुगाड़ में भी लगी हुई है, हालांकि अभी तक बहुत कुछ पुष्ट नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जेडीयू में इस बात की माथापच्ची चल रही है कि क्यों ना ऐसे आउटसाइडर कैंडिडेट्स को एमएलसी के विधान पार्षद बनाकर ऊंचे सदन में भेज दिया जाए, विधान परिषद में, और इनसे समर्थन ले लिया जाए। एमएलसी का गणित बहुत अलग होता है और उसमें मुझे लगता है कि एक अगर फंडा यही है कि कार्यकर्ताओं के लिए विधान परिषद नहीं है, वो ऊपर से आए हुए नेताओं के लिए है, वो ज्यादा लागू होता है।
जमीनी कार्यकर्ता को या तो टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, दो ही चीजें होती है। खैर अब हम चलते हैं मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा के सुरेश शर्मा कर रहे हैं। भाजपा के सुरेश शर्मा जो नगर विकास मंत्री हैं और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है। हम आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी का हाल अपनी ही, आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, शायद अभी प्ले होने में यहाँ दिक्कत हो रही है। यहाँ मुजफ्फरपुर ये शहर का आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, मोती झील का इलाका शहर के बीचों बीच का, 3 घंटे की बारिश में यहाँ बाढ़ आ जाती है और लोग सड़कों पर धान बोने के लिए आ जाते हैं। तो ये हालत है मुजफ्फरपुर शहर का, जिस जहाँ पे सुरेश शर्मा ने एक शून्य से अपना सफर शुरू किया, और वो चाहे वो धन का मामला हो, पैसे का मामला हो, उनका कारोबार हो, वो एक बड़ी ऊंचाई पे पहुंचे। देखिए नगर विकास मंत्री के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। नगर विकास मंत्री के नगर का ये हाल है, तो बड़ा अद्भुत आपने दिखाया सर। बिल्कुल, तो ये हाल है वहां का, और आप समझ सकते हैं कि फिर सुरेश शर्मा का हाल यहाँ पे क्या हो सकता है। तो एक उम्र भी उनके साथ नहीं जा रही है, 74 साल के हो गए हैं। 75 का क्राइटेरिया अगर बीजेपी ने अपनाया तो सुरेश शर्मा को मुजफ्फरपुर में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वहां से। लेकिन विपक्षी उम्मीदवार कौन होगा ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि कायस्थ और भूमिहार ये दो ऐसी जातियां हैं जो शहर में कोई भी सियासी समीकरण बना सकती है, बिगाड़ सकती है। इसके साथ ही इजाजत लेते हैं, बहुत लंबा समय हम लोगों ने लिया, मुजफ्फरपुर की 10 विधानसभा सीटों का विस्तृत उसकी जानकारी दी, सकरा के बारे में संक्षेप की से जानकारी दी। कल हम फिर कुछ और विधानसभा सीटों के बारे में किसी नए जिले के साथ आपके पास होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया ऋषि सर, नमस्कार।